औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहि रहमान रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आज जो मैं आपको वजीफा बताने लगी, इससे पहले गुजारिश की जाती है कि बहुत से लोगों की कमेंट्स आए हैं कि हमें जो है हमारा ये मसला है, ये परेशानी है। तो मैंने आपको मेल सेंड का हमेशा कहा है कि आप मेल पर बात किया करें, यहाँ लाइव बात ना किया करें। अपना नाम और अपनी वालदा का नाम सिर्फ मेल पे आप दे सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज पर या मैसेंजर पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तीन ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। आप हर वीडियो में फेसबुक पेज के बारे में बताया गया है, और उनका जो है तरीका भी मैंने आपको समझा दिया। वहाँ पर भी आकर हमसे बात कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। अगर आपको कोई मसला है जादू जिन्नात या किसी भी किस्म का, बंदिश का, रिश्तों के टूट जाने का, रिश्ते ना होने का, तो ज़रूर रब्ता करें। जो बहनें घरों में बैठी हुई हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, तो वो ज़रूर हमसे रब्ता करें। आपको एक सूरह मुबारक हम सेंड करेंगे, वो आपने एक डब्बे में रख कर तो अपने पास संभाल लेनी है, तो आपका रिश्ता इंशाल्लाह 21 दिन के अंदर हो जाएगा। तो ये बहुत नायाब वजीफा है, उसके बारे में भी बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपका कोई प्यारा आपसे रूठ गया है, या वो आपसे बहुत नाराज़ है, और आप चाहते हैं कि उसने आपका दिल दुखाया है, या आपको परेशान किया है, या आपको तकलीफ हो जाइए, यकीन माने कि वो आपके आगे आके झुक जाएगा। हमारा काम देखें, अगर शैतान उसको वर्गलाता है, शैतान आपसे दूर करता है, तो हमारा काम है उसको आप तक पहुंचाना, आपके कदमों में लाना, शैतान को कदमों में लाना, ठीक है। इवन नहीं कि हम किसी को खींच के नहीं ला सकते, लेकिन हम मुसख़र अल्लाह के कलामे पाक से शैतान को भी मार सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने जो है रब की ज़ात को याद करते हुए तो अमल करेंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपको काजल बनाने का तरीका बताने लगी हूँ, प्लीज़ आप लाजमन सुन लीजिएगा और ग़ौर से सुनिएगा काजल को कैसे बनाया जाता है। और इसको मतलब कि तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी चमेली के तेल की, ठीक है। चमेली का आपने तेल ले लेना है, और उसका एक मतलब कि जैसे चिराग बनाते हैं ना, तो आपने चिराग ले लेना है मिट्टी का। अगर आपको चिराग नहीं मिलता, तो आप जैसे दिए होते हैं, चिराग होते हैं, तो आपने किसी भी मतलब के जो बोल है, स्टील का बोल है, उसके अंदर डाल के छोटे से में, तो वहाँ उसमें चमेली का तेल डाल के उसका जो है ना काजल तैयार कर लेना, ठीक है। ये तैयार हो गया। अब मतलब कि जैसे आप उसके अंदर रुई को डिप करके तो आग लगाएंगे तेल को, तो वो फिर काजल बनना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल कैंडल की तरह वो जलेगा। तो ये तरीका आप कर लें। अब काजल के अंदर दो कतरे आप बेशक चमेली के तेल के भी डाल सकते हैं, या फिर ज्यादा सारा आप बाजार से जो है बना हुआ काजल भी मिलता है ना आजकल, तो वो काजल भी ले सकते हैं, उसके साथ लगा के भी आप मतलब कि आंखों पे लगा सकते हैं। काजल के अंदर इसको जो जिसे सिलाई भी कहते हैं, सुरमे के अंदर होती है एक सिलाई भी होती है, एक पिन सी डली होती है, उसको भी आंखों में लगाने के लिए इसके साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये दो कतरे इसके अंदर चमेली का जब आप डालेंगे तो ये काजल सा बन जाएगा। बस ये काजल के अंदर थोड़ा सा मिक्स कर लें, ज़रा सारा काजल बना लें, और बस ये लगाना शुरू कर दें। यकीन माने जिसके सामने भी आप जाएंगे, जिसके सामने भी आप अपना चेहरा करेंगे, जिसको आप मुसख़र करना चाहते हैं, जिसको आप अपने प्यार में बुलाना चाहते हैं, या ठीक है ना, उसके मतलब ये लगाएं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह पाक के कलाम में बहुत ताकत है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका जो प्यारा है वो आपके पास आ जाएगा। सूरह कौसर को आपने कम अज कम 421 मरतबा पढ़नी, अवला के द्रुशिव के साथ पढ़ना। कितने दिन है, कम अज कम जब काजल तैयार हो जाए कम अज कम 3 दिन तो इसको लाजमन विर्द करें, दम करते रहें काजल के ऊपर जो आपने बनाया है उस पर दम करें और फिर लगाएं। और इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, आप किसी भी टाइम तैयार कर सकते हैं। मोतबर टाइम फजर और तहज्जुद और इशा है, तो इस टाइम भी आप तैयार कर सकते हैं, और बहुत प्यारा काजल आपका तैयार हो जाएगा। ये मोहब्बत का, चाहत का, अपने प्यारों को बुलाने का काजल मैं आपको बता रही हूँ, ज़रूर एक दफ़ा कीजिएगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।